हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। पुलिस समेत आबकारी और कराधान विभाग ने कार्रवाई करते हुए हरियाणा में 5 करोड़ से ज्यादा शराब, मादक पदार्थ और नकदी जब्त की है। हरियाणा के संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ इंद्रजीत ने जानकारी देते हुए बताया है कि पुलिस ने अब तक 90,62,000 रूपये की शराब और 3,13,00,000 रूपये के मादक पदार्थ और 1.78 करोड़ रूपये की नकदी जब्त की है। उन्होंने बताया कि दिव्यांग मतदाताओं के लिए चुनाव आयोग की ओर से एक पीडब्ल्यूडी ऐप बनाई गई है। पीडब्ल्यूडी ऐप जिसमें आवेदन कर दिव्यांग मतदाता अपने लिए व्हीलचेयर या फिर गाड़ी भी मंगवा सकते हैं। 20,804 लीटर सीजर हरियाणा पुलिस, एक्साइज डिपार्टमेंट और जो नीचे टीमें गठित की गई हैं, उन्होंने सीज की है, जिसकी मार्केट वैल्यू 90,62,000 रुपए के करीब बनती है। इसी प्रकार से उसकी मार्केट वैल्यू 3,13,00,000 रुपए के करीब बनती है। तो इस प्रकार से अब तक जो सीजर है हरियाणा में जो पकड़ा गया है वो 5 करोड़।